ये हमारा है टेबल टॉप ऑटोक्लेव, मॉडल नंबर DSTTK SL FL RD। ये इसका कंट्रोल पैनल है। ये वाला इसका ऑन ऑफ है, ऑन किया, ऑन करने के बाद अभी यहाँ पर ये लिखा रहा है मशीन स्टार्ट। अभी ये डाउन और अप, डाउन और अप से आप इसको एरो को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है, मशीन स्टार्ट, एरो को ऊपर लेके गया, एंटर प्रेस किया, एंटर, दो बार एंटर प्रेस करेंगे, मशीन स्टार्ट हो गई है, ये हीटिंग चालू हो गई है, अलार्म ऑन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा रहा है डेट आज की, टाइम, उसके बाद ये जो हमारा है प्रेशर जब इसमें आ जाएगा वो शो करेगा, स्टीम और टाइम, जितने 20 मिनट का टाइम डला हुआ है, जैसे 121 अचीव करेगा ये, उसके 20 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अभी इसमें टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस और 121 डिग्री इसमें हमने सेट कर रखा है, 121 डिग्री टेम्परेचर जाते ही ये मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद ये इसका डोर है, डोर को ओपन करने के लिए इसको ऐसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये इस तरीके से ओपन किया, ये खुल गया, ऐसे ये नीचे वाला भी ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इससे पकड़ के ये ओपन हो जाएगा, ये मैं खोल रहा हूँ इसको, अब ये ओपन हो गई। ये इसके अंदर का है, इसमें आप ये ट्रे लगी हुई है, इसमें कोई भी आप सैंपल रख सकते हैं। इसको बंद करने के लिए ऐसे ही इसको बंद कर लेंगे, दोनों को फुल टाइट कर लेंगे, ये टाइट हो गया। उसके बाद ये बैक साइड में हमारे ये एक वाल्व ये है, ये हमारा वाटर इनलेट के लिए, वाटर भरने के लिए, और जब हम इसको वाटर फिल कर लेंगे तो इसको हमें ओपन रखना है, और जैसे ही हमारा टेम्परेचर 100 अचीव हो जाएगा इसको हमें इस तरीके से, अभी ये ओपन है इस, और इस तरीके से हमें बंद कर देना है 100 आने पे। उसके बाद ये वाला जो है वाल्व, ये ड्रेनेज के लिए है, और ये वाला हमारा है स्टीम रिलीज वाल्व, ये ऑटोमेटिकली स्टीम रिलीज कर देगा जैसे ही आपका 20 मिनट्स अचीव, 121 टेम्परेचर अचीव होने के बाद 20 मिनट पूरे हो जाएंगे। उसके बाद ये इसका वाटर लेवल है,